हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं एक बार फिर आपके साथ हूं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और आज हम बात करने जा रहे हैं जजमेंट राइटिंग के बारे में। ये सीरीज हम लेकर आए हैं जिसमें हम आदरणीय लक्ष्मीकांत भार्गव साहब, जो कि न्यायाधीश रहे हैं और एक प्रख्यात न्यायविद हैं जिनके पास लगभग 30 वर्षों का न्यायिक कार्य का अनुभव है। विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे आदरणीय लक्ष्मीकांत भार्गव साहब आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं निर्णय लेखन के बारे में। इससे पहले भी हम कुछ एपिसोड अपलोड कर चुके हैं जहां भार्गव साहब से हम बात कर रहे हैं निर्णय लेखन और उसकी बारीकियों के बारे में। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज इसे स्टॉप कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे उन एपिसोड्स के, तो पहले उनको देख लें और फिर इस लेक्चर पर आप आए तो आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सिविल निर्णय के बारे में। सिविल निर्णयों में क्या क्रम होगा निर्णय लेखन का, कौन कौन सी बातें लिखी जानी चाहिए और मुख्य बात विवाद्यकों की रचना, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। तो स्वागत करते हैं आदरणीय लक्ष्मीकांत भार्गव सर का। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं निर्णय लेखन पर, कुछ बातों पर प्रकाश डाल दीजिए। पहला तो ये कि सिविल मामलों में जो निर्णय लिखे जाएंगे उसमें क्या क्या बातें शामिल होंगी और विशेषतः विवाद्यकों की रचना कैसे की जानी चाहिए और विवाद्यकों का महत्व क्या है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। देखिए, सिविल लेखन निर्णय के संदर्भ में जो स्टार्टिंग की शीर्षक के बारे में उसमें अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। शीर्षक में न्यायालय का नाम, पीठासीन अधिकारी का नाम, प्रकरण क्रमांक, किस तारीख को संचित हुआ, पक्षकारों के नाम, निर्णय किस तारीख को पारित किया जा रहा है, ये शीर्षक का भाग हो जाता है। उसके बाद में जहाँ मेन निर्णय का लिखना शुरू करते हैं तो पैराग्राफ नंबर एक से जो है, पैराग्राफ नंबर एक में आपका बात की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द शूट क्या है, उसके बारे में लिखते हैं। सेकेंड में आपके एडमिटेड फैक्ट, एडमिटेड और अनडिस्प्यूटेड फैक्ट का डिफरेंस हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। दोनों पक्षकारों का प्रकरण उसके बाद में लिखा जाएगा, पहले वादी का फिर प्रतिवादी का। इन दोनों के प्रकरण के बारे में तथ्यों को लिखने के बाद फिर आता है अगला जो पैराग्राफ आता है वो विवाद्यक के बारे, विवाद्यकों की रचना। विवाद्यक की रचना बात अलग है, विवाद्यक की रचना अलग होती है। यहाँ निर्णय में रचना नहीं की जाती, रचना तो विवाद्यक की ट्रायल के दौरान हो जाती है। एक प्रकरण के किसी भी सिविल प्रकरण के विचारण की अंतिम अवस्था होती है निर्णय। तो उसके लिए पहले हमको पूरा विचार करना पड़ेगा, व्हाट आर दी वेरियस स्टेजेस ऑफ ए सिविल ट्रायल, उस पर कभी अपन और अलग से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये लेंगे, ये अपना आखिरी स्टेज है और विवाद्यकों की रचना होती है सेकंड स्टेज पर ही, जहाँ की दोनों पक्षकारों का प्रकरण न्यायालय के समक्ष आ जाता है। जी सर, एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि विवाद्यक क्या होते हैं और उनकी रचना कैसे की जाती है, प्लीज इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, विवाद्यक जैसा कि उसके शब्द से ही प्रकट होता है, विवाद किन बिंदुओं पर है वो विवाद्यक कहलाते हैं। जी सर, विवाद्यकों की रचना तथ्यों से ही की जाती है। विवाद्यकों की रचना के संदर्भ में जो प्रावधान है सीपीसी के आदेश 14 में दिए गए हैं, और विवाद्यकों की रचना का आधार क्या हो सकता है इसके बारे में आपका नियम 1 और नियम 3 दोनों ही ये बताते हैं। विवाद्यक तथ्यों के आधार पर भी हो सकते हैं, विवाद्यक दस्तावेजों के आधार पर भी हो सकते हैं, विवाद्यक विधि के संदर्भ में हो सकते हैं। आदेश 14 के नियम 1 में विवाद्यकों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक विधि संबंधी विवाद्यक और दूसरे तथ्य संबंधी विवाद्यक। तो विधि संबंध और दोनों को देखने के लिए हम दोनों पक्षकारों का विवेचन कराएं, प्रीडिंग्स क्या है रिटर्न स्टेटमेंट के और प्लेंट के, और उनमें से किन बिंदुओं पर विवाद है और वो बिंदु जो कि प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक है। दावा 2500 पेज का होगा, लिखित कथन भी 2500 पेज का हो सकता है। वादी का दावा 2500 पेज का होता है, प्रतिवादी का जवाब दावे वो भी 2500 पेज का हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, वो अपनी तरफ से भी कुछ अलग कह सकता है। तो हर चीज पर विवाद्यक हमको नहीं मनाने हैं। विवाद्यकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि व्हाट इज द रिलीफ डिमांडेड इन द प्लेंट, क्या राहत मांगी गई है, सहायता क्या चाहिए गई है वादी ने, उपचार क्या मांगा गया, उपचार क्या चाहिए गया, सहायता क्या चाहिए गई है, और जो सहायता मांगी गई है उस सहायता को पाने के लिए उसे क्या तथ्य प्रमाणित करने हैं।
और उन तथ्यों का प्रतिवादी ने क्या जवाब दिया है जी। इन तीन चीजों को थोड़ा सा कंसल्टेट हम करेंगे तो एक विवाद देख हमारा तैयार हो जाएगा उस वक्त पर जी। तो इसी प्रकार से जितने भी तथ्य आते हैं और सहायता को प्राप्त करने के लिए और जिनको प्रतिवादी ने माने एडमिट नहीं किया है या उनको इनकार किया है जी जी, तो उन पर हम अलग अलग विवाद देख बनाएंगे। सर क्या कहा जा सकता है कि अच्छे निर्णय का आधार विवादकों की सही रचना है? विवादकों की सही रचना ही एक बार तो निर्णय का आधार है, उसके अलावा निर्णय लिखा ही नहीं जा सकता जी। तो मेरा अनुभव ये जी, सर ने अपने अनुभव से बताया है कि विवादकों की रचना सही रचना ही निर्णय का सही निर्णय का एकमात्र आधार है। तो बहुत महत्वपूर्ण है विवादकों की रचना। और सर ने बताया कि ये जजमेंट लिखने से पहले, ये तो ट्रायल का पार्ट है, ये लिखा जाता है और निर्णय में इन बातों को शामिल किया जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सिविल निर्णय के बारे में और चौथे स्टेज पे आती है विवादकों के बारे में, सर ने बताया जी। सर प्लीज कंटिन्यू सर, आगे क्या स्टेजेस हैं? तो विवादकों की जहां रचना हो गई जी, विवादकों की रचना होने के बाद में जो जजमेंट का जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया रिटर्न स्टेटमेंट के बाद, तो वो दो पार्ट में होता है। एक साइड में एक प्रोफार्मा के रूप में, एक साइड में हम वाद प्रश्न लिखते हैं और दूसरे साइड में लिखा जाता है विनिश्चय जी, निष्कर्ष उसका क्या है जी। निष्कर्ष को जजमेंट लिखते समय तो हम लिखते हैं, लेकिन निष्कर्ष की प्रविष्टि उस समय की जाएगी जब हम कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं जी। एक बार वापस से रिपीट कर दूं सर, जो कह रहे हैं कि जब आप निर्णय पर पहुंच जाएंगे तब उस समय प्रविष्टि की जाएगी कि ये बात है या नहीं है। उसके लिए माने जब विवादकों वाला कॉलम हम पैराग्राफ शुरू करें वहां पर एक सेंटेंस बड़ा उचित होगा अगर हम वहां लिखते हैं कि उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्नानुसार वाद प्रश्न निर्मित किए गए हैं जी, और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किए जा रहे हैं। तो पढ़ने वाले को अपने आप समझ में आ जाएगा कि विवादों की रचना कहां से की है और निष्कर्ष कब लिखे गए। सर इस बात को इंग्लिश में भी बता दीजिए एक बार कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुन रहे हैं वो समझ लें कि क्या लिखना है उनको, इंग्लिश वालों के लिए स्पेशली। माने ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग्स ऑफ बोथ द पार्टीज द इश्यूज आर फ्रेम्ड बाय द कोर्ट एंड द डिसीजन thereon इज गिवन आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। हम कंटिन्यू समझ रहे हैं कि सिविल मामलों में जजमेंट कैसे लिखा जाता है। ये हमारा सीरीज है जिसमें कि ये लेक्चर भी हम लेकर आए हैं, आप इसे देख रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी बात नहीं उठ रही है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर अपने प्रश्न अभी लिखिए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके सामने लेकर आए हैं जजमेंट राइटिंग की बारीकियों के बारे में जानकारी और निर्णय लेखन के बारे में। एक न्यायाधीश से अच्छा कोई और नहीं समझा सकता। और आपके साथ हैं आज आदरणीय लक्ष्मीकांत भार्गव साहब, जो अपना कीमती समय आपको दे रहे हैं इस सोशल कॉज में, जहां लोगों को निशुल्क जानकारियां मिल रही हैं। आपको बस इतना करना है इस सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट करने के लिए कि थम्स अप करिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए और जहां कहीं भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं शेयर करते रहिए। हम भार्गव साहब से जान रहे हैं सिविल मामले में निर्णय कैसे लिखे जाते हैं और अभी हमने समझा विवादकों की रचना और उसके बारे में। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, सर से समझते हैं कि क्या बातें और हैं जो कि जजमेंट में निर्णय तक पहुंचने से पहले और ध्यान में रखी जानी चाहिए। सर जब विवादकों का पैराग्राफ हो जाता है उसके बाद में जो अगला पैराग्राफ आएगा उसमें हेडिंग बीच में लिखना चाहिए निष्कर्ष के आधार, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दी जी जजमेंट जी। क्योंकि जो आदेश 20 नियम 4 को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा हमको जी, आदेश 20 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता हमेशा याद में रखना पड़ेगा। और उसका चौथा भाग निर्णय का ये होता है कि निष्कर्ष के आधार क्या है। आपने जो निष्कर्ष वहां लिखेंगे उसके किस प्रकार से उस निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं जी, और उस निष्कर्ष का आधार होती है साक्ष्य जी। तो निष्कर्ष का आधार का हेडिंग हम सेंटर में लिखेंगे और उसके बाद में पैराग्राफ नंबर चेंज करते हुए लिखेंगे कि दोनों पक्षों की ओर से पहले साक्ष्य क्या पेश की गई। अब यहाँ पर एक चीज बता देना मैं जरूरी समझता हूँ कि साक्षियों के नाम और डॉक्यूमेंट्स के नाम ही केवल इस पैराग्राफ में लिखना है। साक्षियों ने क्या कहा है ये तो आगे की चीज है। तो एक पैराग्राफ हम इसका लिखेंगे कि बाजी की ओर से मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड ये साक्षी पेश किए गए हैं, प्रतिवादी की ओर से मिस्टर ए मिस्टर बी मिस्टर सी ये साक्षी पेश किए गए जी। डॉक्यूमेंट्स पार्टी ने क्या पेश किए हैं प्रतिवादी ने, उन डॉक्यूमेंट्स का नाम केवल लिखेंगे जी। उनके एग्जीबिट्स नंबर लिख सकते हैं अगर हमारे पास उपलब्ध है तो, उनके विटनेसेस के PW1 PW2 PW3 DW1 ये अपन लिख सकते हैं जी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये इस पैराग्राफ में नहीं लिखना जी। इसके बाद से जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा उनको हम इश्यूज वाइज और एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। यहां से शुरू होता है हमारी कलाकारी निर्णय लिखने की जी। वास्तविक कलाकारी यहां है जहां से कि मार्शलिंग काम करती है, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस
मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। तो ये मार्शलिंग ऑफ एविडेंस क्या है हम सर से जरूर समझेंगे, और ये मार्शलिंग ऑफ एविडेंस जैसे मैं समझता हूँ सर सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले में इम्पोर्टेंट है। मार्शलिंग सिविल का और क्रिमिनल दोनों में इम्पोर्टेंट है जी, और मार्शलिंग में दोनों का करीब करीब तरीका भी एक ही है, मार्शलिंग दोनों में फर्क नहीं है जी। तो मैं सर की इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि दोनों ही जानकारी सिविल मामले और क्रिमिनल मामले में जब जजमेंट लिखेंगे तो मार्शलिंग ऑफ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम अगले लेक्चर में समझेंगे सर से कि मार्शलिंग ऑफ एविडेंस क्या होता है जो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले में इंपॉर्टेंट है। अभी सर ने बताया कि जब आप सिविल जजमेंट लिखेंगे आदेश 20 नियम 4 आपको जानकारी में रखना ही चाहिए। तो इससे पहले कि सिविल मामले में आगे बढ़ें हम समझते हैं कि ये आदेश 20 नियम 4 क्या है। इस स्लाइड में आदेश 20 नियम 4 इसकी हेडिंग है लघुवाद न्यायालयों के निर्णय। इसका उपनियम एक कहता है लघुवाद न्यायालयों के निर्णयों में अवधार्य प्रश्नों और उनके विनिश्चय से अधिक और कुछ अंतर्विष्ट होना आवश्यक नहीं है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो भार्गव साहब लगातार बताते रहे कि न्यायालयों के निर्णय में क्या चीजें होनी चाहिए, तो उपनियम 2 कहता है अन्य न्यायालयों के निर्णयों के मामले में मामले का संक्षिप्त कथन, अवधार्य प्रश्न, उनका विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण शामिल होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं इंग्लिश में एक बार रीड आउट कर दूं। ऑर्डर 20 रूल 4 प्रोवाइड्स जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स। सब रूल 1 सेज दैट जजमेंट्स ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस नीड नॉट कंटेन मोर देन द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन एंड द डिसीजन देयर ऑन। सब रूल 2 सेज दैट जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट्स शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस द पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन द डिसीजन देयर ऑन एंड द रीजन फॉर सच डिसीजंस। विवाद्यकों की रचना में कौन सी सामग्री शामिल होनी चाहिए। ऑर्डर 14 रूल 3 आदेश 14 नियम 3 इस बारे में प्रावधान करता है, और इसका जो हेडलाइन है हेडिंग है वो है वह सामग्री जिससे विवाद्यकों की रचना की जा सकेगी। न्यायालय निम्नलिखित सभी सामग्री से या उसमें किसी से विवाद्यकों की रचना कर सकेगा। भाग क कहता है पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा या ऐसे पक्षकारों के प्लीडरों द्वारा शपथ पर किए गए अभिकथन। ख कहता है अभिवचनों में या वाद में परिदत्त परिप्रश्नों के उत्तरों में लिए गए अभिकथन, और ग प्रावधान करता है दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की अंतर्वस्तु। लेट मी रीड आउट द कंटेंट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ऑर्डर 14 रूल 3 सेज दैट मटेरियल्स फ्रॉम विच इश्यूज मे बी फ्रेम्ड द कोर्ट मे फ्रेम द इश्यूज फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। ए allegations made on oath by the parties or by any persons present on their behalf or made by the pleaders of such parties. Clause B provides allegation made in the pleading or in answers to interrogatories delivered in the suit. Clause C provides the contents of documents produced by either party. तो जैसा कि अभी हमने स्लाइड में देखा ऑर्डर 14 रूल 3 में विवाद्यकों की रचना के बारे में प्रावधान दिया गया है, और जैसा कि भार्गव साहब ने 2-3 बार बताया कि जब कभी निर्णय लिख रहे हो सिविल मामले में उस समय आदेश 20 नियम 4 को ध्यान में रखना चाहिए। ये दोनों ही अभी आपने स्लाइड में देखा। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही, और अगली बार फिर मिलेंगे इसी चैनल पर जजमेंट राइटिंग के एक टॉपिक के साथ। आदरणीय भार्गव साहब हमारे साथ होंगे और होंगे आपके प्रश्न, तो आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आइए और सीधे हमसे जुड़िए। आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई पर्सनल केस हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं vidhikshiksha@gmail.com पर। अगर आप लॉ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, और कुछ कंटेंट चाहिए आपको, आप मटेरियल चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, ऑडियो वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप आइए www.vidhikshiksha.com पर। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं www.facebook.com/vidhikshiksha पर। अगर ये लेक्चर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।